वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और अभी स्कूल के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं स्कूल के लिए अभी तैयार हो रहा हूँ मैं और राधिका तो हो चुकी है तैयार बिल्कुल। ये देखो मम्मी पूजा कर रही है। रक्षा ने बना दी है चाय यहाँ पे। अब मैं नहाता हूँ फिर आता हूँ। तो गाइस मैंने देखा अखबार पढ़ा हुआ था तो मैं अखबार ही पढ़ रहा हूँ अभी। अखबार पढ़ के फिर नहाने जाऊँगा, ऐसे थोड़ा टाइम बचा है स्कूल के लिए, इसलिए टाइम है तो फिर जल्दी करना पड़ता। अभी तो टाइम बचा हुआ है, देखो आखिर मतलब नहाया नहीं अभी तक मैं बिल्कुल क्या मतलब नहाया ही नहीं। गाइस मैंने अखबार पढ़ लिया है, अब नहाने के लिए जा रहा हूँ। पर अब मन ही नहीं कर रहा नहाने के लिए, ऐसा लग रहा है पंखे में बैठे रहो, बढ़िया बैठे नहीं मतलब सो जाओ बढ़िया है। पर जाना तो है ही स्कूल, तो अभी तैयार होता हूँ। गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ बिल्कुल, पूजा भी कर ली है, अब चलता हूँ मैं स्कूल। तो आपको मिलता हूँ स्कूल के आने के बाद। राधिका तो चली गई है स्कूल, तो आपको स्कूल के आने के बाद मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं नहा चुकी हूँ, मैं मंदिर भी जाकर आ गई हूँ। तो आज मैं कोचिंग नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मैं और पापा बाहर जाएंगे, पूजा भी हो चुकी है, मम्मी खा रही है खाना और देख रही है वीडियो और मैं भी पी चुकी हूँ। अब देखते क्या करना है, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस 11 बजने वाले हैं, तो अब मैं मम्मी का कोई काम है किचन में वो काम करवा रही हूँ और मम्मी आराम कर रही है, मम्मी को आलस आ रहा है, मम्मी बना रही है खाने में खिचड़ी। हेलो गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 12:10 हो चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ बाहर पापा के साथ, पापा आने वाले हैं क्योंकि मुझे कुछ काम है, फॉर्म वगैरह कोई फिल करने हैं। तो मैं जा रही हूँ ई मित्र की शॉप पे और मैंने अपना सारा सामान ले लिया, आधार कार्ड वगैरह सब ले लिया है। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ आने के बाद, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने अपना सारा सामान रख लिया इसके अंदर। 12:30 बज चुके हैं, अभी तक पापा आए नहीं और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, थक गई हूँ और आज मैंने कंप्यूटर क्लासेस भी अपनी मिस कर दी है उस काम के लिए। लेकिन वही टाइम हो गया मेरे कंप्यूटर क्लासेस के आने का ही और पापा अभी तक आए नहीं हैं, देखते क्या होता है। जब फाइनली पापा आ गए तो मैं अपना सामान लेकर मैं जा रही हूँ, तो मैं आपको मिलती हूँ। चलो अपन लोग भी चलते हैं। अच्छे नहीं लगोगे, बाल बढ़ा लोगे तो पीछे की या दाढ़ी के? दोनों से। पीछे के तो बढ़िया लगे हैं पर आगे के थोड़ा। फाइनली आ गए घर पे, मेरा काम हो गया लेकिन थोड़ा सा काम रह गया, मुझे जाना पड़ेगा शाम को 5:30 वापस बुलाया है। आ गए बस, 2 बज गए हैं, 2:30। तो गाइस अभी मेरे कोचिंग का टाइम होने वाला है, देखिए बारिश आ रही है, अब पता नहीं कोचिंग के टाइम तक आएगी या क्या होगा, तो अभी देखते हैं। अभी स्कूल ट्यूशन में तैयार हो चुका हूँ बिल्कुल और ट्यूशन के टाइम पे बारिश हो चुकी है बिल्कुल ही, मतलब जब जस्ट अभी रुकी है वो, ट्यूशन का टाइम जैसे हुआ वैसे रुक गई बारिश। तो अभी ट्यूशन जाता हूँ, तो आपको मिलता हूँ ट्यूशन से आने के बाद। हेलो गाइस, अभी हुए 4:40 टाइम हो चुका है और अभी बारिश हुई थी, बारिश रुक चुकी है और गर्मी भी हो गई और लाइट भी चली गई है, पता नहीं लाइट कितनी देर में आएगी, हम वही वेट कर रहे हैं। तो गाइस मैं अभी कोचिंग से आ चुका हूँ और आज थोड़ी जल्दी छुट्टी हो गई थी क्योंकि लाइट चली गई थी कोचिंग में, मतलब छुट्टी के टाइम पे छुट्टी हुई है पर थोड़ा बहुत 5-6 मिनट बस 5-6 मिनट जल्दी छुट्टी हुई है बस। गाइस मैंने मेहंदी सीख कर आ रही हूँ, अब घर पर जा रही हूँ और मम्मा साइकिल ले रखी है, लेट्स गो। मैं आ चुकी हूँ घर पे और मम्मा कुछ खाना बना रही है, देखते क्या बना रही है, सो लेट्स सी। हेलो गाइस, तो मम्मी और ये सब लोग काफ़ी टाइम के आ गए थे और मम्मी बना रही है खाना, मम्मी आज खाने में बना रही है गट्टे की सब्जी।
सो गाइस, हम लोग मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ और अभी मुझे बचा है। और दीदी कान्हा जी को क्या कर कर आई है, खा रही है कुछ। अभी जस्ट मैंने कान्हा जी को दूध पिलाकर फ्री हुई हूँ। और ये मम्मा बना रही है। मम्मा क्या कर रहे हो? रोटी बना रही हूँ विद कट्टी डिलिशियस। उस कार के पीछे कुछ है यार, मुझे थोड़ा डर लग रहा है उस कार के पीछे, क्योंकि उस कार के पीछे कुछ है और मुझे समझने नहीं आ रहा क्या है। अरे देखो 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 कोई है गाइस, सच्ची मुझे कुछ ओ शिट यार। हेलो, तो हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पूरी रेडी हो चुकी है, गट्टे की सब्जी है, आटा लगा दिया इधर। तो गाइस मैं भी आ चुका हूँ घर पे, और इधर मैंने देखा कि एसी ऑन है। मैं पापा के पास गया हुआ था, एसी ऑन है, बढ़िया ठंडक हो गई है, मस्त चिल्ड हवा दे रहा है। थक गया अब, ऐसा मन कर रहा है कि बचा के लेटूं, पर अभी थोड़ा खाना भी खाएंगे। थोड़ा तो क्या, खाना बन गया होगा, खाना खाएंगे, देखते क्या बना है। आज क्या बना है खाने में? गाइस बनी कट्टे की सब्जी रोटी। ये देखिए राधिका पढ़ाई कर रही है, मैं ये देख के इसके हैरान हो रहा हूँ। ये पापा अपने चड्डा वड्डा मंगा रहे, मतलब रात के लिए। और इसमें से पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है, टू 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 टू। राधिका जी, इसी में से अलग सी आवाज़ आ रही है ना। राधिका गुस्सा है क्योंकि राधिका ने मेरे से मंगवाए थे, राधिका ने मेरे से मंगवाए थे हॉट ग्लू गन होती है ना, उसकी स्टिक मंगवाई थी तो मैं ला नहीं पाया। और नीचे गोलगप्पे वाला आ रहा है, तो राधिका ने रोक दिया, बोल रही थी गोलगप्पे खाने चलते, चलो तो देखते हैं। अभी पापा से पूछता हूँ। गोलगप्पे वाले अंकल जी सामने खड़े हैं, जा रहे थे अपने घर। तो राधिका को देखो देखो देखो, तो राधिका मान जा, राधिका राधिका कितनी खुश हो आप, 20 रुपये के खा दिया, 20 रुपये के रक्षा, कितनी खुश हो गोलगप्पे। ये झूठी औरत है। तो राधिका गोलगप्पे ये लो, चप्पल के लिए लड़ गए दोनों। कैसे लग रहा है राधिका, अच्छा है क्या ऋषभ? गप्पे खा लिए, मजा आ गए। लॉक कर राधिका, रक्षा ने नहीं खाया क्योंकि रक्षा की ऊपर फेवरेट सब्जी बन रही है। राधिका किसकी बन रही है? गट्टे की सब्जी, बेसन के गट्टे होते हैं, बढ़िया वो भी बढ़िया लगते, पर राधिका ने रोक लिया था उसको। खाना भी कम खाएगा क्योंकि गोलगप्पे खा लिए ना, क्योंकि गोलगप्पे खा लेते हैं तो फिर थोड़ा पेट सा भर जाता, मतलब उसका पानी वानी होता है ना गोलगप्पे, आपके गोलगप्पे पूछ के जो भी बोलते हैं, पानी पतासी बोलते हैं हमारे तरफ। तो बढ़िया मस्त थे, तो अब खाना भी थोड़ा बहुत खाऊँगा, मैं तो ज़्यादा खाऊँगा नहीं। तो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है और अब थोड़ी देर पढ़ूंगा, फिर एडिटिंग करूंगा, फिर सोऊंगा। तो अभी तो थोड़ी देर पढ़ूंगा मैं, क्या है कि अभी कोचिंग में भी फिर अब मतलब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम भी आने वाले स्कूल के, अभी पता तो नहीं है डेट, पर तब भी सिलेबस वगैरह थोड़ा बताने लगे कि मतलब ये आएगा, तो अभी पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ते हैं। गाइस अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ चुका हूँ और राधिका भी पढ़ने के लिए बैठ रही है, पढ़ने के लिए बैठ के रही है, वो तो जब से पढ़ ही रही है, मतलब पढ़ लर्न नहीं कर रही, वो कर रही है अपने स्कूल का, नए स्कूल में कॉपी लेकर आई है अपनी फ्रेंड की, तो है ना वो काम कर रही है उसमें देख के राधिका। एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरा काम कंप्लीट नहीं है और कल मैम मतलब वो चेक करेंगी, तो मैं सोच रही हूँ अपने, तो मैम ने तेरे को कितने दिन का टाइम दिया था? जो टाइम तो मैम ने कुछ टाइम नहीं दे रखा, मैं सोच रही हूँ कि इसको चेक करा दूँ हिंदी की कॉपी, फिर मैम बोलेगी फालतू में नहीं कराई तुमने पहले। मेरे को तो हिंदी लिखने में बहुत ही जोर आता है, हिंदी का होमवर्क करने में सबसे ज़्यादा मेरे को हिंदी लिखने में जोर आता है। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि है ना अपना काम कंप्लीट करके कल मैम को चेक करा दो, तो और ये क्या बोल रही थी मेरे से कि ऋषभ तू कर दे मेरे 2-3 क्वेश्चन। नो, एक एक ओनली। अब मेरी बात कल नहीं बोला था तूने काम करने के लिए? नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला था ऋषभ यार कर दे, फिर मम्मी से मैंने शिकायत बोल दी थी। मैं राधिका बोल रही थी ना स्कूल का काम करने के लिए, उसका मेरे को बोल रही थी ना, क्या बोल रही थी?
मेरे को बोल रही थी ना राधिका, मेरे से वो उससे क्या बोल रही है मतलब इसमें कि मैंने नहीं बोला मेरे से रक्षा जो बोलती ही नहीं बोलती राधिका रक्षा बोलती ही नहीं बोलती ये फोन में लगी थी। गाइस अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी कितने बज गए राधिका? नहीं 12 बज गए, अभी 12 बजे हम पढ़ रहे हैं। मेरा तो अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, थोड़ा बहुत मतलब अभी तो और पढ़ूंगा। और राधिका को तो नींद आने लग गई इतने में। गाइस वो इतने में 12 बज गए और है ना अब मैंने मतलब मेरा कंप्लीट होने वाला है, 4 चैप्टर भी होने वाला है मेरा। अब बस है ना अभी मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, अब उसके बाद एक और करूँगी और एक सुबह करूँगी, जल्दी उठ जाऊँगी बस, और उसके बाद मेरा कंप्लीट हिंदी का काम कंप्लीट। ये और रात में मेरे को तो रात में बढ़िया लगती पढ़ने, मतलब सब सो जाते हैं, बिल्कुल शांति रहती है, शांति से पढ़ो बढ़िया। और अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ, पढ़ना कायम रहे। अभी मैं जाऊँगी नेल पेंट हटाने, क्योंकि मुझे आज नेल पेंट के मैंने लगा ली थी तो दीदी ने मुझे बाहर निकाला, तो फिर हमें 3 राउंड काटने पड़े थे ग्राउंड के। हैं स्कूल में नहीं, दीदी ने स्कूल में मतलब वो मॉनिटर वगैरह बनते हैं ना उधर, वो कपड़े देखने वाला और ये सब होते हैं उधर बहुत सारे कपड़े, मतलब यूनिफॉर्म में आए हुए नहीं आए ढंग से। सो गाइस अब मैं अपनी नेल पेंट हटाऊंगी और उसके बाद है ना फिर सोने चले जाऊंगी। तो मतलब मेरे को तो इसने बताई नहीं थी, हमको तो ये बात बताई नहीं। मैं भूल गई थी सॉरी। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में सोने जाऊंगा। ऋषभ अभी क्वेश्चन कर दो ना यार, ये देख लो अभी बोल रही है एक क्वेश्चन कर दो, देख लो गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन कर दे यार प्लीज। बिल्कुल नहीं, मेरे को क्योंकि अपना भी पढ़ना है, लेट हो रहा हूँ, 12 बज गए हैं, अब पढ़ता हूँ, पढ़ना तो है। इस बंदी को देखिए, इसने मतलब अपने उंगलियों के हटा ली, उंगलियों के देखो उंगलियों में नेल पॉलिश लगे तो पूरी हटा ली, और पैरों में मतलब इसे इतनी नींद आ रही तब भी ये बंदी मान नहीं रही है। राधिका जी मान जाइए, पर हटाना है तो डाल रहा फालतू में। हाँ नए स्कूल में पनिशमेंट मिल जाए तो अच्छा ही लगता है वैसे तो, पर नए स्कूल में आखिर में इसे पनिशमेंट मिली गई राधिका पहली बार है। यस यस। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार 5 मिनट का ब्रेक ले लूँ और वीडियो भी एडिट करनी तो वीडियो भी एडिट कर लूँ, वीडियो भी एडिट कर लूँगा थोड़ी देर, मतलब कर ही लेता हूँ 5-10 मिनट के ब्रेक में, फिर पढ़ूंगा। और अभी प्यास लग रही है, पानी की बोतल लेने चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सेवा में रहते हैं सबके, सब सुख गए हैं तो पानी लेना पड़ेगा। ये लीजिए राधिका मैडम आप। एडिटिंग हो चुकी है, पढ़ाई भी हो चुकी है, और राधिका भी सोने गई और मैं भी अब सोने जाऊंगा, एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, राधे राधे।